ये खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां गोबरिया बावड़ी इलाके में अवैध मीट मछली की दुकानों को बंद करवाने को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये दुकानें मंदिर के पास संचालित हो गई हैं और इनसे दुर्गंध भी बहुत आती है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। मीट मछली की दुकानें हैं सर, घर के बिल्कुल सामने चढ़ रही है। कौन सी जगह? गोबरिया बावड़ी कायनात होटल की। कितनी दुकानें? तीन 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 दुकानें हैं सर। तो कभी शिकायत दी क्या इसको लेकर आपने? वार्ड पार्षद को भी दी थी, उन्होंने समझा बुझा के बाहर भेज दिया, फिर अंदर आ गए सर। भैया लड़ने तोड़ते सर। अभी किन के पास आए हैं? कलेक्टर साहब के पास। क्या मांगे आपकी? ये मीट मछली की मार्च की दुकान है, दूसरी जगह पे एक दुकान लग रही है हमारे गलियों में। कहाँ पे? गोबरे बावड़े घर के सामने ही है, और पिंजरे भी रख रखे रोड पे, तीन जगह रास्ते रोक रखे, तीन दुकान है हमारे। मंदिर है वहाँ, मंदिर भी है माता जी के पास। आए आज मिलने के लिए जिला कलेक्टर साहब के पास? जिला कलेक्टर साहब। कब से लगी हुई दुकान ये? तो इसको लेकर कभी शिकायत की आपकी? बहुत सी बार करी, सुनाई नहीं करी हमारी। कितनी दुकान है? तीन दुकान है, तीन गली रोक रखी। तो आने जाने में दिक्कत आती है? मेहमान भी आते हैं जो कहते हैं तुम्हारी गली में किसी गंदगी हो रही है, बच्चे नहीं आते, किराएदार नहीं आते, घर के सामने करते हैं। स्कूल भी क्या आते हैं? स्कूल तो नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते। मंदिर माता जी का?